बॉक्स ऑफिस पर सनी देओल की फिल्म गदर ने बवाल मचा दिया है। रिलीज के बाद से ही देश भर में फिल्म देखने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ रहा है। तमाम ऐसे वीडियोज आ रहे हैं जिसमें लोगों का गदर 2 के लिए उत्साह दिख रहा है। इस बीच बिहार की राजधानी पटना में गदर 2 के लिए बम चलने की खबर आ गई है। जी हाँ, घटना गांधी मैदान स्थित रीजेंट सिनेमा हॉल की है। बुधवार 16 अगस्त की रात करीब 12 बजे दो युवक पहुंचे और बम फेंक कर भाग गए। एक बम फट गया जबकि दूसरा नहीं फटा। इस मामले में पीरबहोर थाने में केस दर्ज कराया गया है। इस पूरे मामले को लेकर सिनेमा हॉल के मैनेजर सुमन कुमार सिन्हा ने कहा कि बुधवार रात करीब 11 बजे दो तीन लोग शराब के नशे में आए। मेन गेट पर जो गार्ड था उनसे कहने लगे कि भीड़ है और हम लोग ब्लैक मार्केटिंग करके कुछ पैसा कमाते हैं। इस पर गार्ड ने कहा कि हमारे यहाँ टिकट ब्लैक नहीं होता है और ना ही हम लोग होने देते हैं। इसके बाद गार्ड ने आकर सिनेमा हॉल का आधा शटर गिरा दिया। कुछ देर बाद मोना सिनेमा हॉल के पीछे की गली से उपद्रवी आए और एक बम शटर के सामने फेंक दिया। बम फेंक कर भागने लगे। इतने नशे में थे कि वो लोग बम फेंक कर भागने के क्रम में गिर भी गए। कल रात में करीब 11 बजे दो तीन लोग शराब के नशे में आए और हमारा जो मेन गेट पे गार्ड रहता है उसके साथ बोलने लगे कि हम लोगों को भीड़ है, हम लोग के दो पैसा कमाते ब्लैक मार्केटिंग करके। मेरे गार्ड ने कहा कि ब्लैक मार्केटिंग हमारे यहाँ पे एकदम नहीं होता है और ना हम लोग होने देते हैं। उसके बाद वो बात करके चले गए। गार्ड वहाँ से आया और यहाँ शटर गिरा दिया। आधा शटर गिराया था, तब तक वो लोग इधर उत्तर की तरफ से जो गली है उसको आप देख लें, बाकरगंज नहीं है, ये मोना सिनेमा के पीछे की गली है, इधर से ये लोग आए नशे में धुत थे और उन्होंने हाथ में कुछ लिया हुआ था उसको इन्होंने एकदम सामने से यहाँ से फेंका इस शटर के ऊपर। गनीमत यह है कि वो बम था जो फूटा नहीं और वो शटर से टकरा के गिर गया और वो लोग भी गिर गए, इतने नशे में धुत थे। उसके बाद तुरंत हमारे लोगों ने गांधी मैदान थाना को सूचित किया। वहाँ के ASI हैं प्रमोद जी, वो आ गए। प्रमोद जी आए तो प्रमोद जी इधर गली की तरफ भागे तो वो लोग क्या किए, प्रमोद जी को देख करके उनके सामने भी एक बम पटक दिए, वो ब्लास्ट हुआ। ये वाला बम तो ब्लास्ट नहीं हुआ था लेकिन यहाँ शटर के आगे गिरा हुआ था, उसको प्रमोद जी ने देखा और बोला करे ये तो बहुत घातक बम है यहाँ पे। फिर उन्होंने उसको पैर से मार के हटाया और नाला में गिरा दिया। जितने लोग बस उन दो लोग थे, बस उनका एक ही जिद था कि हम कालाबाजारी करेंगे और आप हमको रोक नहीं सकते, और यही उनको समझाया जा रहा था कि आपको कालाबाजारी करने का परमिशन नहीं हम लोग दे सकते हैं, हमारे यहाँ कालाबाजारी बिल्कुल नहीं होता है। उस लोग ने आया, दो आदमी था और बकवास करने लगा। उसके बाद बकवास करने के बाद पूरा झड़प दोनों बोलचाल हुआ। उसके बाद वो लोग थोड़ी देरी के बाद आया, उसके बाद कितने लोग आया था, दो आदमी। क्या बोल रहा था, क्या बोलने लगा, वो बकवास दोनों उधर से आया और हमको चाल किया। चाल करने के बाद वो बोले क्या बात है, हमारा इंटरवल का टाइम है, हम अपना सतर बंद कर रहे हैं, समझे ना। वो दोनों लोग लगातार बोला, बकवास करने लगा हमसे और उसके बाद उधर से आया तो उधर आगे बढ़ गया। मेरा स्टाफ एक आया तो उसको गाली देने लगा, समझे ना। उधर से औरत लोग भीड़ लगा दिया पूरा, क्या हुआ मैटर। उसके बाद वो लोग चला गया गाड़ी का कवर करके। उसके बाद थोड़ी देरी के बाद मेरा इंटरवल था और शटर हम खोले, समझे ना। उधर से मैनेजर साहब मेरा आ रहे थे, बम फेंका जी, जो बम फूटता तो मैनेजर साहब भी जाते। और पुलिस कितने देर में, पुलिस उसके बाद थोड़ा देरी के बाद पुलिस पे भी बम फेंका है क्या वो, पुलिस बम वहाँ पर फेंका था गली में, तो फूटा नहीं था वो बम, फूटा यहाँ वाला बम। शराब के नशे में थे क्या ये लोग सब, और दोनों आदमी दारू पी रहे थे। क्या बोल रहे थे, जिस प्रकार से बहस कर रहे थे, क्या बोल रहे थे कि हम टिकट यहाँ सिनेमा हॉल में ब्लैक टिकट बेचने की मांग कर रहे हैं। हाँ, बोले तो बोले कि यहाँ तो ब्लैक होता नहीं, बोले कि यहाँ ब्लैक होता है, कहीं यहाँ नहीं होता ब्लैक। वो चाह रहे थे कि ब्लैक करें हम लोग। हाँ, वो लोग तो वही इच्छा है ना, जैसे बोला कि ब्लैक होता है, कहीं कि मेरे यहाँ ब्लैक नहीं होता है तो आपके यहाँ होता है, तो नहीं मेरे यहाँ तो ब्लैक होता नहीं। घटना के बाद तुरंत सिनेमा हॉल के लोगों ने गांधी मैदान थाने में इसकी सूचना दी। गांधी मैदान ASI प्रमोद आए। जब वो लोग गली की ओर उपद्रवियों की ओर भागने लगे तो ASI को देखकर एक और बम बदमाशों ने फेंका जो फट गया। हालांकि घटना में कोई घायल नहीं हुआ। इस पूरे मामले में गुरुवार 17 अगस्त को
सिटी एम्पल सेंट्रल वैभव शर्मा ने कहा कि किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ है। सूचना मिलने के चंद मिनटों में ही पुलिस पहुंची, लेकिन उपद्रवी भाग गए। पीरबहोर थाने में केस दर्ज किया गया। घटना से संबंधित सीसीटीवी फुटेजेस को भी देखा जा रहा है। एक उपद्रवी की पहचान कर ली गई है। गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है।